गाइस, बारिश जिसे साइंस में प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, क्या आप जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन कितनी फॉर्म्स में होती है? चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको बताते हैं कि प्रेसिपिटेशन कितनी फॉर्म्स में होती है। ड्रिजल, रेन, ग्लेज, स्लीट, स्नो, हेल, आइए आपको बताते हैं इनमें फर्क क्या है। गाइस, सबसे पहले ड्रिजल। देखो, हल्की बारिश को हम ड्रिजल कहते हैं, और साइंस में जिन वाटर ड्रॉपलेट्स, अगर बारिश की जो बूंदें हैं उनका डायमीटर 0.5 mm से कम है तो उसे ड्रिजल कहते हैं। वहीं भी रेन क्या हुआ, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स बारिश के 0.5 mm से ज़्यादा और 6 mm से कम है तो उसे रेन कहते हैं। अब गाइस बात करते हैं तीसरी फॉर्म ग्लेज की। अगर बारिश लगने के बाद जब हमारी बारिश जो है या ड्रिजल सरफेस पे कोल्ड ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है तो वहाँ पे फ्रीज हो जाए, एक आइस की कोटिंग या शीट बनाए, तो उस चीज़ को हम ग्लेज कहते हैं। अब स्लीट की बात करें, देखो गाइस, स्लीट भी हमारी बर्फ़ की तरह होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे क्लाउड से बारिश निकलती है और वो बारिश एटमॉस्फेयर में ट्रैवल के दौरान आइस में फ्रोजन होती है, इसको हम स्लीट कहते हैं। वहीं स्नो हमारे आइस क्रिस्टल्स होते हैं जो डायरेक्ट सब्लिमेशन से होते हैं, मतलब हमारे गैसीय स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में। वहीं गाइस हेल के बारे में तो सबको ही पता है, जो लम्प्स ऑफ आइस होते हैं जिनका डाया 5 mm तक होता है। तो गाइस आई होप कि बारिश की फॉर्म्स के बारे में आप सब क्लियर हैं।